हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फीड चैनल। दोस्तों, आज मैं बता रही हूँ सीखने में पठार कब होता है। ठीक है, सीखने में पठार क्या है यानी प्लेटी इन लर्निंग। ठीक है, यानी सीखने में पठार क्या है, प्लेटी कब बनता है, तो सीखना क्या है इसको मैंने बता दिया है। ठीक है, वो व्यवहार में परिवर्तन है। ठीक है, प्रशिक्षण अभ्यास से जो हम व्यवहार में परिवर्तन करते हैं वही सीखना होता है और जीवन प्रयत्न चलने वाली प्रक्रिया है। और उसके बाद मैंने बताया है कि सीखने के वक्र कितने प्रकार के होते हैं, जैसा कि तीन प्रकार के वक्र होता है, ऋणात्मक प्रगति सूचक, धनात्मक प्रगति सूचक, मिश्रित वक्र यानी नेगेटिव एक्सीलरेटेड पॉजिटिव एक्सीलरेटेड कर्व एंड कॉम्बिनेशन कर्व। ऋणात्मक वो होता है जो आरंभ में सीखने की गति तीव्र होती है, बाद में मंद हो जाती है, यानी जहाँ कार्य आसान और जहाँ पहले उस कार्य में कुछ अनुभव होता है, इस प्रकार के कर्व जो है ऋणात्मक प्रगति सूचक वक्र में होता है। धनात्मक में वो होता है कि आरंभ में सीखने की गति मंद होती है, बाद में तीव्र होती है। ठीक है, ऋणात्मक का जस्ट उल्टा, ऋणात्मक में पहले तीव्र फिर बाद में मंद, लेकिन धनात्मक पहले मंद फिर बाद में तीव्र होती है। यहाँ जो होता है धनात्मक प्रगति सूचक वक्र वहाँ पे बनता है जहाँ पे इसमें अभ्यास और प्रशिक्षक के द्वारा सीखा जाता है। ठीक है, इसीलिए उसको पहले से कुछ उसके बारे में जानकारी नहीं होती है, वो अभ्यास और प्रशिक्षक के द्वारा सीखता है, जिससे पहले मंद गति होती है सीखने की, बाद में तीव्र हो जाती है। फिर वो मिश्रित वक्र तीसरा प्रकार का होता है जो सी टाइप का होता है, जिसे यस वक्र भी कहा जाता है, और इसमें सीखने की गति जो है घटता बढ़ता रहता है, किसी भी प्रकार का, किसी भी शक्ल का हो सकता है। उसके बाद हमारे खेल में क्या आता है, पठार आता है। ठीक है, उसके बाद पठार आता है यानी कि सीखने में पठार क्या है, इसी के बारे में आज बता रही हूँ। तो उसके बाद पठार आता है, तो सीखने की वक्र में पठार उस अवधि को दर्शाता है जिस अवधि में सीखने में कोई प्रगति होती हुई दिखाई नहीं देती है। ठीक है, सीखने में कोई भी प्रगति होती हुई दिखाई नहीं देती है, यानी कहने का तात्पर्य है कि कुछ समय के लिए हमारी सीखने की प्रगति जो है वो रुकी हुई दिखाई देती है। ठीक है, कुछ समय के लिए हमारी जो सीखने की प्रगति होती है वो क्या होती है, रुकी हुई दिखाई देती है, यानी कि सीखने में कोई परिवर्तन कोई प्रगति नहीं दिखाई देती है, यानी कुछ समय के लिए हमारी सीखने की प्रगति जो होती है, सीखने की क्रिया जो होती है वो रुकी हुई सी दिखाई देती है। ठीक है, यानी कहने का तात्पर्य कि वक्र की रेखा जो है न नीचे जाती है न ऊपर जाती है। ठीक है, नीचे या ऊपर जाने की बजाय सीधे चलने लगती है, जैसा कि चित्र में दिख रहा है। ठीक है, जैसा कि चित्र में दिख रहा है वो सीधे जा रही है, एकदम सपाट। ठीक है, न तो ऊपर जा रही है न नीचे, न घट रही है न बढ़ रही है। ठीक है, एक रुकी हुई सी दिखाई देती है, कुछ समय के लिए रुक जाती है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि सीखने में पठार क्या है। क्या है पठार, कि यह सीखने के वक्र में पठार उस अवधि को दर्शाता है जिस अवधि में सीखने में कोई प्रगति होती हुई दिखाई नहीं देती है, यानी कुछ समय के लिए जो हमारी सीखने की क्रिया होती है वो रुकी हुई सी दिखाई देती है, यानी कि वक्र की जो रेखा होती है नीचे या ऊपर न जाने की बजाय सीधे चलने लगती है, यानी एकदम सपाट हो जाती है। ठीक है, एकदम सीधा हो जाती है, जैसा कि चित्र में दिख रहा है, एकदम रुक जाती है। तो उसे क्या कहते हैं, सीखने में हम पठार का नाम देते हैं, यानी प्लेट्यू का नाम देते हैं। ठीक है, प्लेट्यू का नाम देते हैं। और सीखने में पठार की क्या कारण है, मतलब क्यों सीखने में पठार आ जाता है, तो सीखने को पिछले वीडियो में मैंने बताया था सीखने को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, तो वही कारण सीखने में पठार बनने के कारण है। ठीक है, जैसा कि सीखने में गलत पद्धति, सीखने की गलत पद्धति, ठीक है, शारीरिक मानसिक थकान हो जाएगी तो भी सीखे जाने वाले कार्य का अधिक कठिन व जटिल होना उस पर भी निर्भर करता है, एंड उचित अभिप्रेरणा का भाव और रुचि का कमी आना। ठीक है, उसके पास अभिप्रेरणा यानी प्रेरणा नहीं है सीखने की, रुचि नहीं है उस कार्य में, तो भी पठार यानी वो नहीं सीख सकता, उसकी सीखने की क्रिया रुक जाएगी। पुरानी आदतों का नई आदतों के साथ संघर्ष करेगा तो भी सीखने वाले का शारीरिक और मानसिक रूप से अस्वस्थ होना, ठीक है, मानसिक और शारीरिक रूप से अस्वस्थ है तो भी हो जाएगा, वो सीखने की गति रुक जाएगी उसकी। ठीक है, एंड उचित ध्यान का अभाव या व्यवधान, ठीक है, यदि उसके पास उचित ध्यान नहीं है, एकाग्रता नहीं है, तो भी सीखने में रुकावट आएगी। ठीक है, एंड सीखने वाले का थोड़ी सी ही सफलता में संतुष्ट हो जाना है।
यानी कि उसको संतुष्ट सफलता प्राप्त हो गई है, चलो हम सीख लिए, अब मुझे नहीं सीखना है, वहां भी सीखने की गति रुक जाएगी, वहां भी प्लेटियो बनेगा। तो यह था सीख पठार बनने के कारण। ठीक है, अब पठार जो बन रहा है उसको निवारण हम कैसे कर सकते हैं? ठीक है, तो सीखने के पठार का निवारण भी तो करना है, ऐसा तो नहीं है कि वो सीखना उसका रुक गया तो वहीं पर रहेगा फिर बढ़ेगा नहीं। ठीक है, वो कुछ समय के लिए रुका है, ठीक है, रुका है तो किस समय लगे, कुछ समय के लिए। ठीक है, तो उसमें सुधार किया जा सकता है, कैसे? तो सीखने के पठार का निवारण करना, सबसे पहले उसको अभिप्रेरणा देंगे, ठीक है, प्रेरित करेंगे कि तुम सीखो। ठीक है, उसके थकान जो हुआ है उसको दूर करने का प्रयास करेंगे, और जो पुरानी शिक्षा पद्धति से वो उब गया होगा तो नवीन शिक्षा पद्धति का प्रयोग करेंगे। ठीक है, एंड अगर उसका रुचि उस कार्य से हट गया होगा, सीखने में हट गया होगा, तो व्यक्तियों की रुचि का ध्यान रखेंगे कि, ठीक है, एंड बुरी आदतों पर निवारण करेंगे कि किसी बुरी आदत में न पड़े जिसके कारण उसके सीखने में व्यवधान उत्पन्न हो रहा है। एंड स्थान समय का परिवर्तन करेंगे, पता चला एक ही स्थान पर उसी वातावरण में एक ही वातावरण में उसको कार्य को सीखने में मन नहीं लग रहा है, जिसके कारण कार्य रुक गया है या सीखने में व्यवधान हो गया है, पठार बन गया है, तो उस स्थान का या समय का हम परिवर्तन कर देंगे। ठीक है, जिसके कारण उसको फिर से सीखने में, फिर से कार्य करने में रुचि बढ़ जाएगा, एंड उसको जो भी एंजाइटी हुआ है, थकान हुआ है, रोग हुआ है, डिजीज हुआ है, उसका उपचार करेंगे पुनः, और इस प्रकार से पुनः उसको सीखने के लिए और कार्य करने के लिए तैयार कर देंगे। ठीक है, जो पठार बनने के बाद पुनः ऊर्जावान हो जाता है, पुनः इन सब क्रियाओं के पश्चात कुछ समय के लिए पठार बनने के बाद वो पुनः अपना अचानक से कार्य करने लगता है, तो उस अचानक से कार्य करने को अचानक स्पर्ट कहते हैं। तो चलिए जान लेते हैं अचानक स्पर्ट किसे कहते हैं, यानी कि सडन स्पर्ट किसे कहते हैं। तो जैसा कि किसी भी लर्निंग कर्व में प्लेटो यानी पठार बनने के बाद, उसमें कुछ निवारण करने के बाद, ठीक है, पठार बनने के बाद अचानक तेजी से कर्व बढ़ता है। ठीक है, अचानक तेजी से कर्व बढ़ता है, ऐसा तो नहीं है कि पठार बन गया या कार्य करना रुक गया या वो उसके सीखने की प्रक्रिया कुछ रुक गया, यानी कुछ समय के लिए बस रुकती है। ठीक है, कुछ समय के लिए रुकने के बाद पुनः वह अचानक से तेजी से कर्व बढ़ता है, जिसे पता चलता है कि ज्ञान में वृद्धि हुई है। यह नई प्रेरणा के कारण होता है। क्या होता है? नई प्रेरणा के कारण, जैसे कि वो कार्य करते 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 वो कुछ समय के लिए रुक गया उसका कार्य, या कार्य सीखने की प्रगति उसकी रुक गई, सीखने की क्रिया रुक गई, वो कार्य करना उसका रुक गया, मतलब कि जो कर्व है एकदम सपाट हो गया, तो कुछ समय के लिए हुआ, कुछ समय के बाद फिर उसको कुछ ऊर्जावान होगा, कुछ अभिप्रेरणा दिया जाएगा, कुछ शिक्षा पद्धति बदला जाएगा, उसके बाद वो अचानक से तेजी से कार्य को सीखने लगता है, यानी कि कर्व जो है अचानक से तेजी से बढ़ने लगता है और ज्ञान में वृद्धि हो जाती है। वो कैसे, किस कारण से होता है? नई प्रेरणा के कारण, नई ऊर्जा के कारण। तो ऐसा इसलिए भी होता है क्योंकि रुकावटें हटा दी जा गई है, जो भी रुकावट था, जो भी कारण था प्लेटी बनने के, पठार के बनने के कारण, वो हटा दी गई है। ठीक है, तथा अब सीखने वाले का रुझान पहले से अधिक स्पष्ट व अच्छा हो गया है। ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं? अचानक स्पर्ट कहते हैं, सडन स्पर्ट। ठीक है, ठीक है, तो इस प्रकार हमने क्या सीखा कि सीखने के वक्र तो तीन प्रकार के होते हैं, ऋणात्मक, धनात्मक, मिश्रित। उसके बाद पठार आता है, कुछ समय के लिए सीखना रुक जाता है, उसके बाद कुछ समय के बाद पठार होता है, तो रुकने के बाद उसमें निवारण किया जाता है, तो अचानक से वो तेजी से फिर सीखने लगता है, तो उसको अचानक स्पर्ट कहते हैं, सडन स्पर्ट कहते हैं। तो इस प्रकार क्वेश्चन यहाँ पे एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकता है कि सीखने के पठार, ठीक है, सीखने के पठार बनने के बाद हमारी लर्निंग प्रोसेस यानी सीखने की क्रिया रुक जाती है, सीखने के पठार बनने के बाद की बात हो रही है, पठार के बाद की। पठार में क्या होता है? पठार में तो ये बता ही दी कि सीखने की क्रिया रुक जाती है कुछ समय के लिए, लेकिन पठार बनने के बाद, कुछ समय रुकने के बाद सीखने की क्रिया में क्या अचानक से वृद्धि होती है, क्या वृद्धि होती है, या वृद्धि मंद हो जाती है, या वृद्धि होती ही नहीं है, इस प्रकार का क्वेश्चन बन सकता है। तो वहाँ पे आंसर सही होगा कि उसमें सीखने की क्रिया में, सीखने के पठार के बाद वृद्धि होती है। ठीक है, अचानक से तेजी आती है। तो दोस्तों, ये था सीखने में पठार किसे कहते हैं, पठार बनने के क्या कारण है, उसके पठार के निवारण के क्या कारण है, उस पठार बनने के बाद क्या दशा होती है, अचानक स्पर्ट क्या होता है, इसके बारे में मैंने बताया। आई होप कि आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। अब सीखने के पठार में
आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तो दोस्तों वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक शेयर कीजिए, जिससे आपके माध्यम से उन तक भी वीडियो पहुंच सके। कोई भी क्वेश्चन होगा कमेंट में जरूर बताइए, उसका डाउट क्लियर करने की मैं पूरी कोशिश करूंगी। एंड पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे जो भी मैं नया वीडियो नेक्स्ट टाइम अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।